यार फाइनली आ ही गया नया कैमरा, खोल लेते हैं इसका डिब्बा और देखते हैं अंदर मिलता है क्या कुछ। जल्दी से खोलते हैं डिब्बा, आता है नीचे कैमरे का बॉक्स, साथ में ही टेप किया हुआ है इसका बैग जो देखने में थोड़ा यूनिक लग रहा है। इसको कर लेते हैं कैमरे के डिब्बे से अलग, फटाफट कैंची कहाँ गई, यहाँ काट लेते हैं इसको संभाल के थोड़ा सा, कहीं बैग ही ना कट जाए। और इसको करते हैं अलग क्विकली, हो गया अलग। अब देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं बैग किस टाइप का मिला है, निकाल देते हैं इसकी पॉलिथीन। बैग देखने में काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है, ब्लैक कलर का बैग, साथ में ब्राउन कलर के लेदर स्ट्रैप्स, साइड पॉकेट्स, इसमें काफ़ी पॉकेट्स दी हुई हैं और फ्रंट में दिए हुए हैं ओपनिंग बकल्स। इन बकल्स को खोल के दिखा देता हूँ क्विकली, बैग अंदर से कैसा दिखाई देता है। जनरली कैमरा बैग्स में वेलक्रो दिखाई देता है, बट वेलक्रो टाइम के साथ थोड़ा लूज़ हो जाता है और आपके एक्सपेंसिव कैमरा के लिए थोड़ा सा डेंजरस रहता है। आप इसको खोल के देखिए, इसके अंदर एक और सिक्योरिटी लेवल है, बटन्स दिए हुए हैं, अंदर एक वेलक्रो कवर अलग से दिया हुआ है, तो आपको 3 लेवल्स ऑफ सेफ्टी आपके कैमरा के लिए मिल जाती है। अंदर है लेदर स्ट्रैप एंड उसके साथ हैं कुछ अखबार के टुकड़े। जी हाँ, ये बैग को केवल क्लफी दिखाने के लिए दिए गए हैं, कैमरे के साथ मैंडेटरी आइटम नहीं है। मैं हटा के दिखा देता हूँ, कैमरे के अंदर काफ़ी जगह है, आ सकता है आपका कैमरा बॉडी दो लेंसेज के साथ। इसको जैसे आए तो वैसे ही पैक कर देते हैं, करते हैं ऊपर से इसका ढक्कन बंद। और इसमें काफ़ी छोटे छोटे पॉकेट्स हैं आपकी बैटरी चार्जर केबल्स को रखने के लिए, रख देते हैं इसको साइड में। और नज़र डालते हैं अपने मेन आइटम कैमरा बॉक्स की तरफ। जी हाँ, ये रहा हमारा कैमरा बॉक्स, ये भी पूरी तरह से पैक्ड है। एक नज़र डालते हैं, काफ़ी अच्छी सी पैकिंग, इसको हटाना पड़ेगा पहले, उसके बाद निकाल के देखते हैं अंदर डिब्बे के हमको क्या क्या मिल जाता है। काफ़ी सारे टैग्स लगे हुए हैं, पढ़ के देखते हैं इसको क्या क्या लिखा हुआ है। निकाल दी पॉलीथीन, ये रहा डिब्बा, देखने में काफ़ी खूबसूरत, सिंपल, छोटा। आप सोच रहे होंगे इतना छोटा क्यों, क्योंकि है मिररलेस कैमरा, क्योंकि काफ़ी कैमरे की बॉडी को कॉम्पैक्ट कर देता है, इसीलिए इसका साइज़ थोड़ा छोटा। ये रहा इसका बारकोड, ये रहा इसका प्राइस टैग जो लिखा है 66,999, जो कि इसका एक्चुअल प्राइस नहीं। एक्चुअल प्राइस जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देख सकते हैं और जान सकते हैं। ये रहा फ्यूजी फिल्म XT200 ब्रांडिंग विद लेंस 1545, ओके, डार्क सिल्वर कलर जो मुझे पसंद था। इसमें दो कलर और आते हैं, एक ब्लैक, एक शैम्पेन और सिल्वर, तीन कलर इसके साथ एक आता है डार्क सिल्वर, तो टोटल आते हैं 4 कलर। XT200 की ब्रांडिंग, लेंस की स्पेसिफिकेशंस घुमा के देख लेते हैं। यहाँ पर कई लैंग्वेजेस में सेम डिटेल्स लिखी हुई है, जिसमें बताया गया है अंदर कैमरे के साथ क्या क्या आता है, बैटरी, SD कार्ड, शोल्डर स्ट्रैप, USB केबल, हेडफोन अडैप्टर, एक्सेट्रा। वो तो हम खोल के देख ही लेंगे क्या क्या है। चलो जल्दी से इसको खोल लेते हैं, हटाते हैं इसकी सील। कैमरा खोलने के बाद इसकी सील देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि इंटैक्ट थी, अब इसको फटाफट हटा देते हैं। ओके, निकाल देते हैं इसको जल्दी से। टेप के साथ साथ थोड़ा सा डिब्बा भी फट गया है, कोई बात नहीं, खोल लेते हैं। तो हाँ, ये मिल जाते हैं कुछ कागज़ जिसको लोग फेंक देते हैं साइड में, लेकिन मैं इसको साइड में नहीं फेंकता, मैं इसको रखता हूँ बाद में पढ़ने के लिए, क्योंकि कैमरे की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके रखरखाव के लिए, उसके फीचर्स को जानने के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। YouTube पर लोग बताते हैं कि इन कागज़ों को फेंक दो या निकल रहे हैं रद्दी के टुकड़े, क्योंकि वो करते हैं अपनी फालतू बकवास, बताते नहीं कोई डिटेल। खैर, हम रखते हैं इनको साइड में, पढ़ेंगे इसको खाली समय में। साथ में था एक शोल्डर स्ट्रैप, ये रहा हमारा कैमरा बॉडी और साथ में रखा है 1545mm का लेंस। जी हाँ, बात देख सकते हैं 1545mm का लेंस, ये भी कैमरा बॉडी की तरह काफ़ी कॉम्पैक्ट। पहले देख लेते हैं क्विकली कैमरे को, ये रही मेन कैमरा बॉडी। अब आप देख रहे हैं कितना छोटा कैमरा है ये, कुछ लोग कहते हैं देखने में टॉय लगता है, मैं ऐसे कहता हूँ छोटा पैकेट में बड़ा धमाका। जी हाँ, ये है मिररलेस फ्यूजी फिल्म XT200। कैमरे के साइज़ में मत जाइए, कैमरे की क्वालिटी, उसके फीचर्स पे जाइए। और जानने से मैं आपको पहले बता दूं, ये कैमरा लेने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस किया है इसको लेने के लिए, यही एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं आपसे के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। और काफ़ी रिसर्च एनालिसिस कंपैरिजन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे फ्यूजी फिल्म XT200 इस रेंज में कैमरा लेना चाहिए। साथ ही इसमें आते हैं M20, इसी रेंज में आता है कैनन 200 मार्क 2 और भी बहुत सारे कैमराज हैं जो इसी रेंज में आते हैं, बट जो 4K के फीचर्स ये कैमरा देता है, जो इमेज क्वालिटी, जो वीडियो क्वालिटी ये कैमरा प्रोवाइड करता है, वो कोई और कैमरा प्रोवाइड नहीं करता। देखिए, ये रहा इसका बैटरी कंपार्टमेंट, ये रहा इसका फ्रंट, रखते हैं साइड में और देखते हैं डिब्बे के अंदर क्या है। यहाँ पर मिलती है हमको एक टाइप सी USB केबल। जी हाँ, ठीक सुना आपने, ये कैमरा मोबाइल फ़ोन की तरह चार्ज किया जा सकता है, इसको डायरेक्ट आप पावर सॉकेट से कनेक्ट कर दीजिए और ये चार्ज किया जा सकता है इसको। और ये रहा इसका बैटरी। सो इसको क्योंकि हम टाइप सी केबल के साथ चार्ज कर सकते हैं, तो आप ठीक सोच रहे हैं, इसको पावर बैंक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ऑन द गो कभी भी चार्ज कर सकते हैं। जो लोग करते हैं व्लॉगिंग या जो लोग करते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग और चाहते हैं कैमरा जिसको कभी भी चार्ज कर सकें,
तो आई थिंक ये एक बेस्ट कैमरा है। और ये रहा साथ में एसडी कार्ड, 16 GB का एसडी कार्ड आता है इसके साथ, इसको हम लगाएंगे कैमरे में। ये रहा 16 GB क्लास 10 कार्ड, इसकी केसिंग को रख देते हैं संभाल के। जी हाँ, रखते हैं सब सामान एक साथ और उठाते हैं कैमरा बॉडी और करते हैं कि करके सारी चीज़ें फिट। पहले लगाते हैं कैमरे का लेंस। ओके, इसमें लिखा था सिलिका जेल। ओके, आराम से निकालते हैं इसको बाहर। देखिए कितना कॉम्पैक्ट और छोटा लेंस है। अगर इसी की जगह आप नाइकॉन या कैनन का किट लेंस देखेंगे तो काफ़ी हैवी और बल्की होता है, जो कि व्लॉगिंग के लिए या ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी स्पेस लेता है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, बस मैं बात कर रहा हूँ साइज़ की यहाँ पर। और इसको खोल लेते हैं और साथ ही निकाल लेते हैं कैमरे का कैप, सॉरी लेंस का कैप। लेंस कैप निकालने के बाद उसके लेंस के और बॉडी के रेड डॉट्स को हमको मैच करना है और करना है हल्का सा रोटेट। आएगी एक क्लिक साउंड और हो जाएगा आपका लेंस फिक्स। हियर यू गो, सिंपल। आप देख रहे हैं कैमरा के पास लेंस लगाने के बाद इसमें कितना बड़ा साइज़ आ रहा है इसका। ये मेरे हथेली में समा जा रहा है, आप समझ रहे हैं कितना छोटा साइज़ है। और देखिए कितने बेहतरीन लेदर फिनिशिंग के साथ ये ऊपर दिए गए हैं रेट्रो स्टाइल में बटन्स। इस कैमरा को, इसके बटन्स, इसका लुक्स काफ़ी यूनिक बनाता है बाकी के कैमरा बॉडीज से। और देखिए ये रहा इसका ऑटो माउंट, मुझे देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप बताइए आपको ये कैमरा कैसा लग रहा है। जी हाँ, फुली लोडेड कैमरा, छोटा सा कैमरा, आपके जैकेट पॉकेट में भी आ सकता है और आप इसको अपने जीन्स पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं लेंस हटा कर। अब डाल लेते हैं इसमें क्विकली मेमोरी कार्ड, जो कि है 16 GB का। इंसर्ट कर दिया है मेमोरी कार्ड, निकाल लेते हैं पॉलिथिन से बैटरी और अब लगाते हैं इसकी बैटरी। मैंने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखे लेकिन मुझे किसी की भी अनबॉक्सिंग या किसी के भी इस कैमरा को लेकर रिव्यूज़ बिल्कुल पसंद नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर पेड रिव्यूज़ करते हैं, इसीलिए कोई किसी भी कैमरा के अगेंस्ट में या किसी भी कैमरा के फेवर में खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं। बात ऐसे करते हैं जैसे कि सभी कुछ अच्छा है और सभी कुछ ख़राब है। आपको डिसीजन लेने में बिल्कुल मदद नहीं मिलती। लेकिन इस कैमरे को मैंने काफ़ी रिव्यूज़ पढ़ने के बाद, उनके फीचर्स को सुनने के बाद तब लिया है। मुझे किसी भी वीडियो से इसकी किसी भी हेल्प नहीं मिल पाई। हालांकि मैंने उन यूट्यूबर्स को और उन इंस्टाग्रामर्स को पिंग करके इसके मेरे जो क्वेरीज थी उनके आंसर लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी आंसर देना पसंद नहीं करते, वीडियो बना के छोड़ देते हैं और लोग उनको कमेंट्स करते रह जाते हैं। मैं इस वीडियो में इस कैमरे का रिव्यू या इसके फीचर्स के बारे में बात नहीं करूंगा, नहीं तो ये वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। अगर आप रियली इंटरेस्टेड और जानना चाहते हैं इस कैमरा के फीचर्स के बारे में और इसके रिव्यूज़ के बारे में, आप कमेंट्स कीजिए। अगर कमेंट्स आएंगे तभी मैं इसका रिव्यू बनाऊंगा, नहीं तो मैं इसको अपने यूज़ के लिए ही रखूंगा, मैं इसका अलग कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपको देखने में लुक वाइज कैमरा कैसा लगा? क्या आप भी एक व्लॉगिंग के लिए कैमरा देख रहे हैं? क्या अभी अपना यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हैं और चाहिए आपको एक नया कैमरा, आप करना चाहते हैं अपने आपको अपग्रेड एक सेल फोन से, तो प्लीज़ इस कैमरे को आप रेफ़र कर सकते हैं। इसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है। आपको कोई भी क्वेरीज होंगी तो जैसा मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बोलता रहा हूँ, आप मुझे कमेंट्स कीजिए। नो मैटर आप कितने कमेंट करेंगे, मैं आपके हर कमेंट का आंसर आपको दूंगा। और मेरे पास आंसर नहीं होगा तो मैं उसका रिसर्च करके आपको उसका आंसर ला के दूंगा। कैमरा ओपन करने के बाद जो पहला ऑप्शन आता है वो आता है सिंक्रोनाइज विद योर सेल फोन। उसके लिए आपको करना पड़ेगा ये बारकोड स्कैन अपने कैमरे सेल फोन से और करनी पड़ेगी एक ऐप इंस्टॉल, जिससे आप ऑन द गो फोटोज़ को और वीडियोस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कैमरा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए बहुत ही ऑसम कैमरा है और बजट कैमरा है, बजट सेगमेंट में आता है। इसको एंट्री लेवल आप कह सकते हैं लेकिन मैं इसको एंट्री लेवल नहीं कहूँगा, क्योंकि ये आपको जो आउटपुट देता है वो एकदम प्रोफेशनल आउटपुट देता है, बशर्ते आप इसकी सेटिंग्स को ठीक से यूज़ करें। इसके बाद अगर मैं इस ऑप्शन को अभी स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मैं अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहता या सिंक्रोनाइज़ नहीं करना चाहता अपने सेल फोन के साथ, तो ये मुझे ऑप्शन देगा नेक्स्ट स्टेज, जो कि है डेट और टाइम को कॉन्फ़िगर करने का। डेट और टाइम कॉन्फ़िगर करने के बाद आई थिंक आई एम रेडी टू क्लिक पिक्चर्स एंड गो फॉर द वीडियोज़। थोड़ा टाइम मुझे इसके फंक्शन को समझने में लग रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं उतना फास्ट इस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि शायद मैं फ्यूजी फिल्म का फर्स्ट टाइम यूज़र हूँ और मुझे इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये बता दूँ इसकी जो स्क्रीन आप देख रहे हैं वो है फुली आर्टिकुलेटेड 3.5 inches की स्क्रीन, और ये क्लेम करते हैं कि जो इनकी स्क्रीन है वो आईफोन की स्क्रीन से भी बेटर है।
और ये भी बताते हैं कि इसमें जो कॉपर वायरिंग का यूज़ किया गया है उसकी वजह से लो लाइट की परफॉर्मेंस बहुत ऑसम देगा। और ये मैं आपको बता दूं कि लोग ये बोलते हैं कि ये सेल फोन से अपग्रेड करने वाले लोगों के लिए एक बेस्ट कैमरा है, बट वो स्टेटमेंट ठीक नहीं। मैं ये बोलूँगा कि आपको ये प्रोफेशनल आउटपुट देने के लिए कैमरा बेहतरीन है और इसको यूज़ करने के लिए इसका यूज़र इंटरफेस सेल फोन की तरह ईजी है, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर नहीं भी हैं तो भी इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो सेल फोन की तरह इतना ईजी है कि ऑन द गो या किसी भी टाइम आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा, जो कि इस कैमरे की अपनी एक यूनिकनेस और इसकी बड़ी स्क्रीन बनाती है इसको बहुत ही बेहतरीन। यूज़ करने के लिए इसमें दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, जिसमें आप खींचे जाने वाली फ़ोटो और वीडियो का प्रीव्यू पहले ही देख सकते हैं। और यही खास बात होती है एक ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर की, जो कि आपको मिलता है DSLR में नहीं, जी हाँ, मिररलेस कैमरा में। और जैसे मैंने आपको बताया यह है एक मिररलेस कैमरा, इसी की वजह से ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस कैमरे के लुक्स अच्छे लगे होंगे। बताइए अगर आप भी एक नया कैमरा लेने की सोच रहे हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और आप भी सोचते हैं कि आप उसको अपग्रेड करें, आपके लिए मन में कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप प्लीज़ उन क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं आपको दूंगा उन क्वेश्चंस का जवाब। अगर आप चाहेंगे कि मैं इसके फीचर्स के बारे में और उसके रिव्यू के बारे में वीडियो बनाऊं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका रिव्यू बनाऊंगा। मुझे कैमरा आया है बहुत ज़्यादा पसंद और मेरे आने वाले वीडियोज़ में आपको जो भी वीडियोज़ अब देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी फ्यूजीफिल्म XT200 से। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कैमरा आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उसी के थ्रू मेरे को पता चलेगा कि क्या ठीक जा रहा है क्या गलत जा रहा है। साथ ही आप इसमें डाल सकते हैं अपने क्वेश्चंस और मैं दूंगा आपको उनका जवाब। अगर आपको लगे वीडियो अच्छा तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और अगर लगे खराब तो YouTube ने इसमें डिसलाइक का बटन भी दिया, आप वो भी दबा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको क्यों अच्छा लगा या क्यों खराब लगा, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अवॉइड करना चाहिए। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको लगते हैं, अगर आपको इस चैनल का ये वीडियो और अदर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं या पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दबा सकते हैं बेल आइकन। होगा ये कि जब भी मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको इमीडिएटली वॉच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि नया साल आपने धूमधाम से मनाया होगा और आप नए साल को इन्जॉय करेंगे। रखिए अपना ध्यान और बने रहिए चैनल पर आने वाले वीडियोज़ के साथ। मैं लाता रहूँगा आपके लिए टिप्स ट्रिक्स और प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़, जो कि होंगे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर। और अगर आपके पास है कोई भी ऐसा आइटम जिसे आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसे परचेस करूंगा आपके लिए और मैं बनाऊंगा उसका एक यूज़र रिव्यू। क्विकली आपको दिखा देता हूं इसके स्क्रीन से किस टाइप का व्यू आ रहा है। थोड़ा सा फोकस वगैरह मुझे एडजस्ट करना होगा और थोड़ा सा हैंड्स ऑन करने मुझे इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगा ये कैमरा काफ़ी बेहतरीन। आप बताइए कैसा लगा आपको ये कैमरा, और इसके बाकी कलर्स को भी चेकआउट कीजिए डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक में, जो आता है ब्लैक कलर, शैम्पेन कलर, सिल्वर कलर और यह डार्क सिल्वर कलर। बताइए आपको कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आया और क्यों, और देता हूँ आपको एक फ्रंट लुक। इसी के साथ चाहता हूँ आपसे इजाज़त। थैंक यू, जय हिंद।